पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अच्छा, हर्षिता का जब डेब्यू शो आया था ना साडा हक, उसमें ये कॉलेज स्टूडेंट बनी थी, 9 साल बाद जहानाबाद में फिर ये कॉलेज स्टूडेंट का रोल कर रही हैं। नॉर्मली लोगों का कॉलेज 3 साल में खत्म हो जाता है। आपको पढ़ाई का शौक ज्यादा है या आपको लगता है कि कॉलेज खत्म हो गया, घर वाले शादी करा देंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे मॉम डैड को लगता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ तो मैं आईएएस वाईएएस कुछ बनूंगी। अच्छा, मैं एक्टिंग में आ गई तो आई थिंक वो बड़े खुश होते कि अभी तक चलो पढ़ाई तो चल रही है कॉलेज स्टूडेंट की तरह 9 साल। पर सीरियसली आप आईपीएस आईएएस बनना चाहती थी? नहीं, मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे बनाना चाहते थे। पेरेंट्स का क्या, वो तो मेरे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, उनका पेरेंट्स तो आपके भी साइंटिस्ट बनाना चाहते थे ना। हर्षिता का इस सीरीज में डायलॉग है कि जहानाबाद में जब तक लिनोडो नहीं मिलेगा ये शादी नहीं करेंगी, फिर इनको ऋत्विक से प्यार हो जाता है। तो आपको ऋत्विक जो है लिनोडो से ज्यादा बेहतर लगे कि आपको लगा कि जहानाबाद में इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता? मुझे अभिमन्यु ज्यादा बेहतर लगे जहानाबाद में, और मुझे लगा कि लिनोडो मतलब देख लेंगे, ठीक है वो, उसके लिए तो मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट है, एक बार शादी कर लेती हूँ फिर जाएंगे घूमने, देख लेंगे उसको भी। देख लेंगे उसको भी, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हाँ, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है। फिलहाल जो मिल रहा है उसको तो, जो अच्छा मिल रहा है उस पे तो देखो, मतलब आगे बढ़ो। नाइस, दो चार लाइनें और बोलो ना हर्षिता। नहीं देखिए, हम सारे लड़के लड़के बैठे हुए हैं, हमारी रेटिंग नहीं आती इतनी। आप एक फेस ज्यादा देर टीवी पे रहता ना, थोड़ी दो चार छोटी एबीसी सुना दो ऐसे ही। अच्छा, छोटी एबीसी को छोटी एबीसी क्यों बोलते हैं और बड़ी एबीसी को बड़ी एबीसी क्यों बोलते हैं? मतलब तो सेम है दोनों का, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मतलब हर जगह जहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते वहाँ छोटा ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। Why am I answering? Yeah, exactly. Why are you answering? देखो, हमारे शो में ऐसी बातें होती है। आपको क्या लगता है हम एटॉमिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे? हमारे तो ऐसा ही चल रहा है, देखिए। अच्छा चल रहा है, लेकिन भगवान जिनको देता है देखो, बहुत कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता, और जो कुछ नहीं करते तो ये हो जाता है। देखो, ऋत्विक जो है जहानाबाद से पहले मजा माँ इन्होंने करी थी, जिसमें माधुरी जी इनकी मम्मी बनी थी। अच्छा, माधुरी जी आपकी मम्मी बनी है, इस बात से आपको ज्यादा खुशी हुई थी कि आपके पिताजी को, कि चलो एक होता ही ना बंदा कहने को तो हो जाता है मेरे बेटे की मम्मी बनी है माधुरी। वो पिताजी से ज्यादा मस्त थे कि मैं जो दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था उस वक्त जब शूट खत्म हो रहा था या रिलीज हो रही थी फिल्म, तब एवरी क्रू मेंबर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, जितने भी 40+ लोग हैं, सबने एक बार पूछा और कैसा चल रहा है शूट? अरे यार, कैसे लोग हैं। बट मेरे पापा से ज्यादा मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी, मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है माधुरी मैम की। अच्छा, शी वाज वेरी हैप्पी। एक्चुअली उनके सब फैन है, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहानाबाद का शूट चल रहा था ना, वहाँ के महाराजा ने हर्षिता और ऋत्विक को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था। तो ये ना अर्चना जी का ये सवाल था, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता, इनका ये कहना था कि जब आप उनके यहाँ डिनर पे गई तो वो जो नॉर्मली हम लोग स्नैक्स खाते हैं टूथपिक के साथ, तो वो भी टूथपिक के साथ खाते हैं कि तलवार के साथ ऐसे पनीर टिक्का खाते हैं, कि इनका सवाल है। लगता है ना कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी शक्ल पे देख, सिंग दाना खत्म हो गया जो आपके काउंटर पड़ा था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।